और पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद सनम जावेद ने दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करा ली। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। सनम जावेद ने दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। आपको बताएं कि जराए बताते हैं कि लाहौर की अदालत से सनम जावेद के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का इम्कान है। सनम जावेद का इस मौके पर कहना था, ना मेरा मुंह बंद होगा और ना ही मेरे खिलाफ केसेस कम होंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहज़ेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहज़ेब, सनम जावेद इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची, बायोमेट्रिक कराया, अपडेट कीजिएगा उनकी आमद के हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है सनम जावेद, उनकी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो आई थी और उन्होंने दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक की तस्दीक भी जो है वो करवाई है। और सनम जावेद अपने वकला के साथ कुछ देर बाद जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगी। और लाहौर की अदालत में सनम जावेद की जो वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर जो हिफाजती जमान की दरख्वास्त जो है दायर करने का इम्कान है, इसराय की तरफ से ये बताया गया है। तो आज उस हवाले से वो अपने वकला के साथ जो है वो कुछ देर बाद जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगी और इस हवाले से उन्होंने बायोमेट्रिक तस्दीक भी जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में करवा दी है। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।